अगर आप जल्दी से फैट घटाना चाहते हैं और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ दो चुटकी आपको डालना है, अपने फूड में ऐड करना है और इसको डेली कंज्यूम करना है। आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी इन्फ्लामेशन भी दूर हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेन होता है, यानी पानी भर जाता है, उसकी वजह से बॉडी फूली फूली रहती है, सूजन हो रही है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये क्या है, कौन से स्पाइसेस हैं जिनकी दो चुटकी ऐड करने से इतना सारा बेनिफिट आपको मिलता है, एक्स्ट्रा फैट आपका निकल जाता है, तो चलिए वीडियो में जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें नमक तो होता ही होता है, मतलब जो भी हम मसाले डालते हैं वो अच्छे से हम भूनते हैं और नमक चटपटा रखते हैं, हमें थोड़ा चटपटा खाना पसंद होता है। जैसे कि हमने सुना है कि भाई मीठा अवॉइड करना चाहिए, तो हमारी क्रेविंग्स और बढ़ने लगती है। जैसे कि हमने मीठा छोड़ दिया और हम अपनी डाइट पे आ गए, एक्सरसाइज भी करते हैं, उससे और ज़्यादा हमें भूख लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, पसीना निकालना शुरू करते हैं। अब होगा क्या, आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगते हैं, यानी आपने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, आपने चाय कॉफ़ी ये सब बंद कर दिए, लेकिन आप किस चीज़ पे आ जाते हैं कि हाई सोडियम आप लेने लगते हैं, क्योंकि कुछ चटपटा चाहिए, आपकी बॉडी कुछ मांग रही है। अब हाई सोडियम से क्या होगा कि आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है, पानी आपकी बॉडी में रुकना शुरू हो जाता है, इससे फिर से आपकी बॉडी फूली फूली लगेगी और आपको कई बार ब्लोटिंग भी लगने लगती है, कि पेट बड़ा हुआ आपको लगने लगता है, पेट पे अफारा आया हुआ है। फिर आप पानी और ज़्यादा बढ़ा देते हो कि हमें तो फैट लॉस करना है या कुछ भी, हम डाइटिंग पे है, अगर आपको भूख लगती है तो पानी और ज़्यादा आप पी लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, कुछ भी आपने मखाना वगैरह लिया, फिर से उनको रोस्ट कर लिया, फिर से उनके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर लिया और आपने खा लिया और उसके ऊपर से पानी पी लिया, यानी फिर से क्या हुआ, सोडियम की जितनी क्वांटिटी आपने ज़्यादा ली, उसी हिसाब से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू हो गई। आप कह रहे हैं कि यार मैं इतना सब कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मोटापा घटने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़े दिन तो आपको रिजल्ट मिला, लेकिन बाद में वो बंद हो गया। ये होता है जब भी हाई सोडियम हमारी बॉडी में हो जाता है, इससे हाई बीपी भी हो सकता है। कई बार आपको लगता है, बेचैनी आपको महसूस होने लगती है कि शायद ये डाइट की वजह से हो रहा, बहुत कम खा रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाई सोडियम हम अगर बॉडी में डाल रहे हैं तो उसकी वजह से बेचैनी होने लगती है, बीपी हमारा हाई हो जाता है, बॉडी के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, पानी भरने की वजह से और ज़्यादा बेचैनी और ब्लोटिंग हमें लगने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा विटामिन आपकी इस ब्लोटिंग को ख़त्म कर सकता है और कौन सा अच्छा तरीका है जो फैट लॉस में आपकी मदद देगा। अब बात वहाँ पर आती है जहाँ से हमने शुरू करी थी कि सिर्फ दो चुटकी आपको अपने फूड में लेना है और ये जो सारी इन्फ्लामेशन है, ये ब्लोटिंग है, ये सब खेल जो आपके साथ हो रहा है, वो आपका बिल्कुल फिनिश हो जाए, बिल्कुल रिड्यूस हो जाए और आप बिल्कुल एक फ्री लाइफ जी सको, यानी आपकी क्रेविंग्स भी शांत हो जाए और इसके साथ में जो वाटर रिटेन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है या आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है या सूजन है, कोई भी दिक्कत परेशानी, वो भी आपकी रिड्यूस हो जाए। तो सबसे पहला इन्ग्रीडियंट्स है दालचीनी। ये आप सबको पता है, दालचीनी के अंदर एक कंपाउंड होता है जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं सिनामल डिहाइड। इसका नाम ही ऐसा है, सिनामल डिहाइड। जी हाँ, ये कंपाउंड इन्फ्लामेशन को दूर करता है, सूजन को ख़त्म करता है, आपकी पाचन शक्ति को और ज़्यादा मजबूत बढ़ा देता है, आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है। लेकिन लेना कितना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक चम्मच लेना शुरू कर दो, लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तासीर में गर्म होता है, तासीर में गर्म होता है, इसलिए जैसे आप जो भी सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से वाटर रिटेन हो जाता है, तो अगर दो चुटकी आप इसको खाते, चाहे तो आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं, चाहे आप सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके इसको खा सकते हैं, लेकिन दो चुटकी इस तरीके से आप डाल लीजिए, उसी में आप काम हो जाएगा। आप किसी ड्रिंक में भी डाल के इसको पी सकते हैं। ये आपकी, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल हाई हो जाता है, यानी जब वो डाइट करते हैं तो उसकी वजह से, बहुत कम खाने की वजह से भी शुगर लेवल हाई हो सकता है, अगर आपने सही से अपने आप को मैनेज नहीं किया। तो दो चुटकी अगर ये खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब दूसरा स्पाइस,
दो स्पाइस मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा स्पाइस है जो कि बहुत ही अच्छा है और जिसको आप जानते हुए भी नकार देते हैं, ये है काली मिर्च ब्लैक पेपर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जाता है। मैंने देखा है कि जो वेट लॉस प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी काली मिर्च ब्लैक पेपर का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है पेपरिन, जो कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ख़ास करके अगर आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, पेट फूला हुआ लगता है, खाने के बाद थोड़ा सा कुछ खाया और तभी पेट फूल जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को निकाल देती है। अगर सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो रही है, आपके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, तो उसको मेंटेन करती है ये काली मिर्च। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, कफ आपकी बॉडी में जम गया है, जिन लोगों की कफ की प्रकृति होती है उनको भी, अगर वो पानी भी पिए तो भी मोटे हो जाते हैं, कफ प्रकृति वालों के लिए तो ये रामबाण है। लेकिन इसके भी आपको दो चुटकी लेनी है। अब तीसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कौन सा ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन नहीं होने देगा। जैसे कि आप हाई सोडियम आपने खा लिया है, किसी भी वजह से चटपटा खा लिया है, उससे ब्लोटिंग हो रही है, तो वो है पोटेशियम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पोटेशियम किस में मिलेगा। अब वैसे तो फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसे केले में भी मिल जाता है, केले आप ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक रेसिपी आपको बताऊंगी, ड्रिंक बताऊंगी कि कैसे आपको केले लेने चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो चैनल पे कंटिन्यू आप बने रहिए। लेकिन सबसे पहले जो ग्रीन सैलेड होती है उसमें भी हाई क्वांटिटी में पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्या करता है, आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा हो गया है तो पोटेशियम कम हो जाएगा। अगर आपने पोटेशियम ज़्यादा कर दिया तो वो सोडियम को नहीं रुकने देगा, वो सोडियम को निकाल देगा। अब सोडियम एक्स्ट्रा निकल गया तो वाटर रिटेन आपकी बॉडी में नहीं होगा, यानी फुली फुली बॉडी नहीं लगेगी। आपको ऐसे फ्लफी फ्लफी लगता है ना, गाल भी फ्लफी फ्लफी, आपको लगता है पता नहीं क्यों सूज गए हैं, रात हमने ये चीज़ अच्छा ये खा लिया था उसकी वजह से सूजन आ गई, आँखें भी आपको सूजी सूजी लगती है। तो आपको सैलेड ज़्यादा खाना चाहिए अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, इन्फ्लामेशन भगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमें क्रेविंग्स ना बढ़े, हमारा पेट भरा भरा लगे, बार बार आपको ये ना हो कि कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ। ये क्या करता है, सैलेड होता है, ग्रीन हो चाहे रेड हो चाहे येलो कलर का, कुछ भी आप सैलेड ले सकते हैं जो आप कच्चा खाते हैं। ये आपकी लेप्टिन हार्मोन को जगाता है। लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, हमारी जो जैसे क्रेविंग्स होती है उसको शांत करता है, हमें संतुष्टि की भावना जगाता है कि नहीं भाई अब तो पेट भर गया, मतलब ये वाली फीलिंग देता है, तो वो सैलेड खाने से आएगी। दूसरा, जो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, विटामिन ए डी ई के, ये क्या होते हैं, ये फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरीके का ग्रीन सैलेड या रेड सैलेड खाने वाले हो तो आपको कुछ कोकोनट भी स्प्रिंकल कर लेना है इस तरीके से, इससे आपको गुड फैट मिल जाता है। और जो विटामिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो फैट के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी बॉडी में सही तरीके से काम करते हैं। अब दो चुटकी इस पे डालना है आपको सिनेमन पाउडर, जो आपकी इन्फ्लामेशन दूर करेगा, और ऐसे ही दो चुटकी आपको ब्लैक पेपर डालना है। और अगर डालना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में आप काला नमक, जिसको गुलाबी नमक भी बोलते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में डालना है। और ध्यान रखना है सब्जी में बहुत ज़्यादा चटपटा या बहुत ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना चाहिए, आपको ध्यान से ही नमक खाना चाहिए। अब इस तरीके से सैलेड खाएंगे तो कभी आप मोटे नहीं होंगे, नहीं बार बार क्रेविंग्स होगी, ऐसा नहीं हो कोई आइसक्रीम खा रहा है तो आपका भी देख के मन कर जाए फटाफट से दो आइसक्रीम खा लो, ऐसा कभी नहीं होगा अगर इस तरीके से ये सैलेड बना के आप खाते हैं। आपके पास अगर ड्राई कोकोनट नहीं है तो डायरेक्ट आप कोकोनट ऑयल भी एक चम्मच इस तरीके से डालिए और इसको खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सैलेड बना के आप खाइए और जल्दी से अपना वेट लॉस करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।